कोका कोला, पेप्सी, जू, मिरिंडा, स्प्राइट, फेंटा, स्लाइस, यही नाम आपके दिमाग में आते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि आप ड्रिंक में क्या लोगे। और ये आप ऐसे सोचते हो जैसे पीढ़ियों से आपके घर में यही पीते आ रहे हैं सब, आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनके दादाजी, सब कोई पीने में केवल ये सॉफ्ट ड्रिंक यूज करता है। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मोहित रावत, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्यों आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, वो कारण जिस पे आपने पहले कभी नहीं सोचा और शायद आप सोचोगे भी नहीं, परंतु मैं बताऊंगा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है। तीसरा, उसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर क्या होंगे। आपका सबसे फेवरेट एक्टर जब टीवी पर ऐड करते हुए आता है हाथ में एक यही सॉफ्ट ड्रिंक लिए हुए, पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, फेंटा, कुछ भी लिए हुए, या तो तूफानी कर रहा है, कोई डर को भगा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, इसी पर खर्च करती हैं ये दोनों कंपनियां, पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी का हर साल का एडवर्टाइजमेंट बजट है 21,000 करोड़ रुपए इंडियन मनी में, और कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट बजट है 25,000 करोड़ रुपए इंडियन मनी में। जी हाँ, यही पैसा वो आपके फेवरेट एक्टर्स को देते हैं ताकि वो आए और आप लोगों को उत्साहित करें कि आप ये ड्रिंक्स पिए। इसके अलावा आप दिन में कम से कम 10 बार किसी भी टेलीविजन चैनल पर ये एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे। साथ में अगर आप किसी किराने की दुकान पर गए कुछ सामान लेने के लिए, चाहे आपको हल्दी लानी है या जीरा लाना है, कुछ भी लाना है, आप जाते ही देखोगे सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा पेप्सी या कोका कोला, उसके नीचे उसका नाम छोटे से एक लाइन पे लिखा होगा, अजय किराना स्टोर, अभय किराना स्टोर, जो भी है वहां आपने इसको देखा। दिन में 10 से 20 बार आप इन कंपनियों का नाम पढ़ते हैं, देखते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेक्निक है हमारे सबके दिमाग में ये बिठाने के लिए कि ये एक ट्रेडिशनल चीज है, सदियों से यहां रही है। आपको ऐसा ही लगता होगा, इसीलिए हमने कभी नहीं सोचा कि पेप्सी क्या है, क्यों है, कहां से आई, कब आई, किसने बनाई और क्यों हम इसको पीते हैं। एक पेप्सी के अंदर, एक कोका कोला के अंदर, स्प्राइट के अंदर, फेंटा के अंदर, जो भी कोई आपकी ड्रिंक है, 500 ml की एक सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर 50 ग्राम चीनी होती है, शुगर होती है, मतलब कि 12 टेबल स्पून, 12 चम्मच। इतनी ही शुगर अगर आप पानी में घोल करके पिए तो उल्टी लग जाएगी। और WHO के अनुसार एक व्यक्ति को 6 चम्मच से ज्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए एक दिन में। परंतु आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद उल्टी नहीं लगती है क्योंकि इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। वो फॉस्फोरिक एसिड जो आपके टेस्ट बड्स को स्टेबलाइज करता है, जीभ के वो पॉइंट्स जहां से आपको पता चलता है कि कितना मीठा किस चीज में है, उसको वो मंद कर देता है, बंद कर देता है, इसीलिए आप आराम से पी लेते हो। लेकिन वही फॉस्फोरिक एसिड आपके मुंह में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जो कारण बनता है आपके दांतों के गलने का, सड़ने का, जिसे आप बोलते हैं कीड़ा लगना। और ये शुगर जब लीवर तक जाती है तो लीवर शुगर को ब्रेक करता है। ये पॉइंट सुनने वाला है ध्यान से, इस पे एक बार ध्यान दें कि जब ये शुगर लीवर तक जाती है, पेट में अंदर जाती है पचने के समय पे, तो लीवर इस शुगर को फैट में ब्रेक करता है और वही फैट जमा होता है आपकी तौंद पे। अगर आप एक तौंद लिए घूम रहे हैं तो इसका मुख्य कारण आपकी सबसे फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक है। इसके बाद में एक इफेक्ट है इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो CO2 होती है वो बॉडी में जाती है, और बॉडी में ये आपकी ब्लड ऑक्सीजनेशन को, खून के द्वारा जो ऑक्सीजन छोटी छोटी कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है उसको कम कर देती है, और उसको कम करने के बाद आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं कैंसर सेल्स। ये कहीं बाहर से नहीं आता, कैंसर, टीवी,
ब्लड शुगर, और जो ये शुगर लेवल है, जो 12 चम्मच शुगर आप एक ड्रिंक में पी रहे हो, ये पीते ही एकदम से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और फिर थोड़े समय के बाद वो डाउन होता है। लेकिन यही बढ़ना घटना बढ़ना घटना बाद में आपकी ब्लड शुगर को डिसबैलेंस कर देता है और जो टाइप 2 डायबिटीज बनाता है। तो एक बार नोटिस करना क्या क्या आपको इससे मिला: डायबिटीज, शुगर, फैट, कैंसर। जी हाँ, ये 4 चीजें हैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स। इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा कि आप क्यों इसे पीते हैं, लेकिन आज शायद आप जरूर सोचना एक बार। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रिकमेंड कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो सकती है, किस चीज के ऊपर हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।